नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 और 10वीं कक्षा के गणित का। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2। तो अपना गणित विषय का आज अध्याय नंबर सेकेंड, इनकी चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस अध्याय नंबर 2 का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो आज अपन बात करेंगे बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले अपने को बहुपद के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है बहुपद होता क्या है। तो देखिए साथियों, बहुपद की बात करें, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चर तथा अचर राशि, चर तथा अचर राशि का, चर तथा अचर राशि का गणितीय संबंध, चर तथा अचर राशि का गणितीय संबंध द्वारा, गणितीय संबंध क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। गणितीय संबंध, चर तथा अचर राशि का गणितीय संबंध होगा उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और व्यंजक के अंदर बात करते हैं तो कौन सा व्यंजक कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? चर तथा अचर राशि का गणितीय संबंध कहलाता है बीजीय व्यंजक। अब आपको यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, 9th क्लास में पढ़ा था लेकिन भूल गए हैं। तो चर राशि क्या होती है? तो चर राशि की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण होते हैं एक्स वाई जेड से लेकर क्या बात करते हैं तो ए बी सी, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण लगे हो साथ में किसी भी गणितीय वर्ण के साथ में, या कोई भी गणितीय संख्या है उसके साथ में अगर अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ण लगा है तो उसे कहते हैं चर राशि। अगर केवल गणितीय मान है तो उसे कहते हैं अचर राशि, यानी कि ओनली फॉर गणित की संख्या है या गणितीय अंक है जिसके साथ में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई वर्ण नहीं लगा है तो गणितीय अंक को कहते हैं अचर राशि। अब आता है गणितीय संबंध। तो गणितीय संबंध क्या होते हैं? तो गणित के अंदर साथियों होती है 4 प्रकार की संक्रिया, या तो होता है प्लस, या होगा माइनस, या होगा गुणा, और या होगा भाग। तो चर तथा अचर राशि जब गणितीय संबंध द्वारा जुड़ती है तो वो बनता है बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो या दो से अधिक हो, पदों की संख्या दो या दो से अधिक हो उसे कहते हैं अपन बहुपद। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो या दो से अधिक हो उसे साथियों कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो कुल मिला के आपके सामने बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद का आपको पता चल गया कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद की बात करें तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो या दो से क्या होगी? अधिक होगी, उसे कहते हैं बहुपद। आगे बात समझ में? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो x² + 5x - 3 ये एक प्रकार का क्या है? ये बहुपद है, क्योंकि पदों की संख्या दो से अधिक है तो इसे बहुपद कह सकते हैं अपन। अब देखिए पदों की संख्या और बहुपद के बारे में बात की, इसके बाद देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद। तो यहाँ पर अपन अलग अलग कुछ टर्म्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन अलग आ सकते हैं। तो पदों के आधार पर आप अपन पढ़ते हैं सबसे पहले एकपदी। एकपदी क्या होता है इसके बारे में बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो? एक हो, उसे कहते हैं एकपदी। तो पदों की संख्या एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे कहते हैं एकपदी। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसके इसके एग्जाम्पल के अंदर देखो, जैसे लिखा मैंने 5x एक पद है, -3y एक पद है, -3 एक पद है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें पदों की संख्या एक होती है, उसे कहते हैं एकपदी। सेकेंड एकपदी के बाद में दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है द्विपदी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? तो दूसरा प्रकार आता है उसका नाम है द्विपद या द्विपदी। तो ध्यान रखना, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे कहते हैं द्विपदी। इनकी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो, एग्जाम्पल की यहाँ बात करें
यहाँ एग्जाम्पल जैसे देखिए 5x-3, ये दो पदे, जैसे देखा 6x² - 3x या 2x, ये भी दो पदे। जैसे मैंने बात लिखी 3x+5, ये भी दो पदे। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें पदों की संख्या दो होती है, उसे कहते हैं द्विपदी। पदों की संख्या एक होगी तो एक पदी। इसके बाद में एक और शब्द आता है जिसका नाम है त्रिपदी या तिरपद। त्रिपदी या तिरपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो, पदों की संख्या तीन हो, पदों की संख्या तीन हो, उसे कहते हैं त्रिपदी। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं त्रिपदी। तो कुल मिला के बात करते हैं, तो बहुपद के अंदर बात करते हैं तो आपको बहुपद में आता है पदों की संख्या दो से अधिक होनी चाहिए। एक पदी किसे कहते हैं? तो पदों की संख्या एक। द्विपदी किसे कहते हैं? तो पदों की संख्या दो। त्रिपदी किसे कहते हैं? तो पदों की संख्या तीन, और तीन से अधिक पद हो जाते हैं उसे कहते हैं बहुपद। क्या कह देते हैं? बहुपद। वैसे दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद भी कहते हैं, लेकिन आपको पूछ रहे त्रिपदी क्या है तो ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं बहुपद की घात। किसकी बात करते हैं? एक शब्द आता है बहुपद की घात बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या चीज होती है तो आपको ध्यान रखना है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो आप यहाँ पर देखो बहुपद की घात की बात करें तो जो बीजीय व्यंजक है, इनकी ऐसा बीजीय व्यंजक जो बहुपद है, उस बहुपद के अंदर जो बीजीय व्यंजक आया है, उस बीजीय व्यंजक के अंदर, बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है, बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है, इस चर राशि की अधिकतम घात, बीजीय व्यंजक है उस बीजीय व्यंजक में चर राशि है, इस चर राशि की जो अधिकतम घात होती है, उस अधिकतम घात यानी कि पावर, मैक्सिमम पावर होती है, उस पावर को क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है, घात कहते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 5x³+3x²+x-7, ये एक प्रकार का बहुपद है। इस बहुपद में आप देखेंगे, पूरे पद में देखेंगे, पूरे के पूरे समीकरण में या व्यंजक में आप देखेंगे, समीकरण कहेंगे इसको साथियों, नहीं कहेंगे, ये व्यंजक है। जब व्यंजक को हम जीरो के बराबर लिखते हैं तब उसको कहते हैं समीकरण। यहाँ मैंने जीरो नहीं लगाया है, तो ये है एक प्रकार का बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो x² है 5, यहाँ x² है -2, यहाँ x² कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? तब आप कहेंगे सर जी इस बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात 5 है। तो मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या होगी? तो आप कहेंगे इस बहुपद की घात वो भी 5 होगी। जो बड़ी घात है वही बहुपद की घात होती है, तो बड़ी घात यहाँ 5, तो बहुपद की घात भी 5 आएगी। तो कुल मिला के आपको ध्यान चल पता चल गया, सब समझ में आ गया कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप कह देंगे कि जो भी हमें व्यंजक दिया है उस व्यंजक में सबसे बड़ी घात कौन है, वो बहुपद की घात कहलाती है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं अपन, तो आगे साथियों बात आती है गुणांक की। क्या बात आती है? आगे बात आती है गुणांक। एक शब्द आता है गुणांक शब्द। गुणांक शब्द क्या होता है? तो यहाँ देखिए जो बहुपद होगा उस बहुपद में जो अचर राशि है, सॉरी बहुपद के अंदर जो चर राशि है, चर राशि के साथ में बहुपद के अंदर क्या है? चर राशि है। इस चर राशि के साथ में कौन सी संख्या लगी है, चर राशि के साथ में कौन सा गणित का अंक आया है, वही उसका गुणांक कहलाता है। कौन सा गणित का अंक, यानी कि चर राशि के साथ में कौन सा गणितीय अंक आया है, वही उस चर राशि का गुणांक कहलाता है। जैसे देखो बात करता हूं मैं बहुपद के बारे में, तो बहुपद का स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। अगर अपने यहाँ पूछ ले कि इसमें पद कितने हैं, तो पद तो तीन है, घात कितनी है, तो घात दो है। अब आपको पूछ लेते हैं यहाँ पर कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ बताएंगे आप x² के साथ में क्या गुणा हो रहा है, a का, तो x² का गुणांक है a। अगर यहाँ से आपको पूछ ले कि x का गुणांक क्या है ओनली फॉर, तो x के साथ में क्या संख्या गुणा हो रही है, तो x का गुणांक यहाँ पर आपके आंसर रहेगा b। फिर पूछे यहाँ c के साथ में कोई xyz नहीं है, तो c कैसा पद है, तो यहाँ पर c है आपका अचर पद है। कैसा पद है? अचर पद है। तो जिस जैसे आपको पूछे x
एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा, उसके साथ में जो संख्या आएगी गुणांक होगी। केवल एक्स का गुणांक पूछेगा तो एक्स के साथ जो संख्या आएगी वो उसका गुणांक होगी। लेकिन यहाँ पर विशेष क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है प्लस का नंबर है या माइनस का, ये चिन्ह आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ये गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ जैसे अगर ए प्लस का था तो मैंने ए लिखा, बी प्लस का है तो मैंने बी लिखा, अगर माइनस लगा होता तो माइनस साथ में आता, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए साथियों, बात करते हैं बहुपद के अंदर, अपने बात की बहुपद के परिचय की बात की, पदों की संख्या की बात की, घात की बात की और गुणांक की बात की। इसके बाद देखिए एक आता है अपने पास में एन घात या एन पदीय बहुपद। जैसे देखो देखो बात करते हैं बहुपद की, तो बहुपद में साथियों कई सारे पद होते हैं, बहुपद के अंदर कई सारे पद होते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला पद ए जीरो एक्स, दूसरा पद लिखा मैंने ए टू, सॉरी एक मिनट, ए जीरो एक्स के बाद लिखा मैंने ए वन एक्स, ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ए वन एक्स की पावर वन, तीसरा मैंने लिखा ए टू एक्स की पावर टू, चौथा लिखा मैंने ए थ्री एक्स की पावर थ्री, इसी प्रकार मैं डॉट 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 करके लिखता हूँ ए की घात ए एन एक्स की घात एन। तो ये साथियों कुल मिला के बहुपद के अंदर बहुत सारे पद है, यहाँ एनथ पद है तो एन टर्म का बहुपद है। अगर यहाँ पूछे कि एक्स जीरो का गुणांक क्या है तो एक्स जीरो का गुणांक ए, अगर पूछे एक्स की घात एक का गुणांक तो एक्स की घात एक का गुणांक ए वन, अगर पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर गुणांक है ए टू, अगर पूछे एक्स क्यूब का गुणांक तो एक्स क्यूब का गुणांक है ए थ्री। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है कि एक्स की घात एन का गुणांक क्या है तो एक्स की घात एन का गुणांक है ए एन, क्या गुणांक है ए एन गुणांक है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि बहुपद के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आपके पास में एक विशेष ध्यान रखना है बहुपद का मानक रूप। काफी बार एग्जाम में वैसे अपने यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से ध्यान रखना है। तो बहुपद का मानक रूप की बात करें तो आपको साथियों ध्यान रखना है बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ये बहुपद का मानक रूप पढ़ते हैं और इसी के अनुसार अपने को क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर ए बी सी ये पूर्णांक संख्याएं, ए बी सी क्या है पूर्णांक संख्याएं और एक्स स्क्वायर ये चर राशि है। फिर यहाँ से मैंने कुछ बातें बता दी, अब देखिए यहाँ से आपके आता है ये कैसा बहुपद है, तो ये द्विघातीय बहुपद। कैसा बहुपद है तो ये बहुपद है द्विघातीय बहुपद, इनके इस बहुपद में घात कितनी है तो दो है, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। अब साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर घात दो है तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यंकों की संख्या भी साथियों यहाँ पर कितनी होगी, तो शून्यंक यहाँ पर होंगे दो। तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यंकों की संख्या घात पर निर्भर करती है, और घात दो है तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या भी दो होगी। लेकिन अपने को यहाँ से दो फॉर्मूले याद करने, काफी बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड समीकरण दे रखा है और आपको पूछे कि इसके शून्यंकों का योग कितना होगा, तो आप बताएंगे शून्यंकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है शून्यंकों का योग, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, और माइनस बी बटा ए क्या है तो यहाँ से जो मान आया वो ए और बी का मान। दूसरा आपको पूछ सकता है यहाँ से सूत्र ध्यान रखना है शून्यंकों का गुणा, क्या पूछ सकता है शून्यंकों का गुणा का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे जब बहुपद दिया हो और शून्यंकों का गुणा पूछे तो गुणे का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए, ये आपको ध्यान रखना है। अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारे फॉर्मूले काम आएंगे। इसके बाद देखिए साथियों आपके सामने कुछ और टर्म्स है जो मैं बता देता हूँ जो विशेष ध्यान रखनी है। जैसे अपने को एक शब्द आता है रैखिक बहुपद, एक शब्द आता है अपने पास रैखिक बहुपद, तो ध्यान रखना रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका क्या क्या परिभाषा है, इसके अंदर क्या पहचान है, तो विशेष ध्यान रखना रैखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की या चर की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम घात होनी चाहिए एक। जिस बहुपद में चर राशि की मैक्सिमम पावर एक होती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। एक आपको ध्यान रखना है शून्य बहुपद, क्या ध्यान रखना है शून्य बहुपद, तब आपको बताना है साथियों ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात
राशि की घात क्या होगी? शून्य होगी, उसे अपन क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। शून्य होगी उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं थी जो डिस्कस की मैंने आपके सामने। एक आपको साथियों फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। आपको पूछ ले कि एक द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए, द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। अपने को यहाँ पर दो बातें दी हुई है, एक द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, किस आधार पर करना है? तो अपने को शून्यंकों का योगफल दिया है। क्या दिया है? शून्यंकों का, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे शून्यंकों का योगफल इतना है, और आपको दे दे शून्यंकों का गुणा या गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल दे दे और वो गुणनफल कितना है वो आपको वो दे दे, मान लीजिए कुछ दे दिया है, तो इसका सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग गुणा एक्स, और साथ में होता है प्लस शून्यंकों का गुणा। प्लस क्या होता है? शून्यंकों का गुणा, यानी कि आपको शून्यंकों का योग और गुणा दिया हो और बहुपद पूछे तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे ये। इसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा। तो ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा। अब देखिए बात करते हैं अपन एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर 2.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर अपन बात करें तो ये ग्राफ के अंदर आती है। इसमें ग्राफ ही निरूपण है, ये ग्राफ में समझाऊंगा मैं बाद में आपको। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2 का, ध्यान से समझना साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रश्नावली संख्या 2.2। और प्रश्नावली संख्या 2.2 का क्वेश्चन नंबर है पहला। पहले क्वेश्चन में साथियों ये लिखा है कि देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा अपने सामने वो लिखा है कि बहुपद के शून्य के ज्ञात करो। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बहुपद के एक तो क्या ज्ञात करने? शून्य के ज्ञात करने। पहले तो कह रहा है कि शून्य के ज्ञात करो, और जो शून्य आए हैं उस शून्यों के संबंध की जांच करनी, शून्य ज्ञात करना, और शून्य ज्ञात करने के बाद में उसके संबंध की जांच करना, कि संबंध की जांच करना कि संबंध सत्य है या असत्य है, ये क्वेश्चन है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे दो का अंदर, दो के अंदर कुल अपने साथ में 6 क्वेश्चन आए हैं। 6 में से पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य की ज्ञात करो और संबंध की जांच करो। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अपने सामने जो बीजीय व्यंजक लिखा है, जो बहुपद लिखा है, इसमें कुल कितने पद हैं? तो आप कहेंगे इसमें कुल 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद है। अब 3 पद है तो साथियों पहला काम करना है कि जो प्रथम पद है और जो अंतिम पद है इनका गुणा करेंगे आपस में। तो आप इनका गुणा करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस का 8x2। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीच वाला पद है माइनस का 2x, इस माइनस 2x के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो बन जाए माइनस का 8x2, जोड़े या घटाए तो बन जाए 2। अब कैसे करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए 8 किसे पहाड़े में आता है। तो आप कहेंगे सर जी 8 आता है 2 के पहाड़े में, और कितनी बार बोलने पर आता है? 4 बार। फिर आप कहेंगे सर 8 4 के पहाड़े में आता है और 2 बार बोलने पर आता है। अब अपने पास में देखिए संख्या एक्स 2x लानी है, तो 4 और 2 को देखते हैं तो 4 और 2 का अंतर 2 आता है और गुणा 8 आता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस के 2 और प्लस के 4 का गुणा करते हैं तो माइनस का 8 बनता है। आप कहेंगे बिल्कुल बनता है। और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर यहाँ पर देखिए साथियों, बात करते हैं अंतर की। तो एक मिनट देखिएगा, अंतर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सही दे देता हूँ। तो यहाँ पर 4 और 2 है। अब यहाँ पर अपने उत्तर बीच वाला पद कौन सा है? माइनस का है, तो बड़ा नंबर माइनस का लेंगे और छोटा नंबर लेंगे प्लस का। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा माइनस का 2 और गुणा आएगा माइनस का 8। तो कुल मिला के क्या करना है? पहला काम कि प्रथम पद और अंतिम पद का करना है गुणा। गुणा करने के बाद में जो बीच वाला पद है उसके करने हैं टुकड़े, और टुकड़े करके उत्तर क्या है? गुणनफल में तो संख्या आ जाए वही जो अभी ज्ञात की है, और शेष पद क्या है? वापस जोड़ें और घटाएं तो बीच वाला पद आ जाए। मतलब कुल मिला के मैं बात ये बताना चाहता हूँ आपको समझ जाना
कि जो अपने पास बीजीय व्यंजक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ, इसमें मध्य पद के टुकड़े करने हैं, यानी कि बी दो एक्स के टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ो या घटाओ तो वापस माइनस का दो आ जाए और गुणा करने पर माइनस का आठ आ जाए, तब आप कहेंगे माइनस का चार और दो। तो यहाँ लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स प्लस का दो एक्स माइनस का आठ। आप कहेंगे बिल्कुल ये सही है, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स और दो एक्स का गुणा करते हैं माइनस का आठ एक्स होता है, घटाते हैं तो माइनस के दो आते हैं। अब देखो इन पहले दो पदों में से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स में से कॉमन क्या आ रहा है, तब आप देखते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे कि सर यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, सॉरी ओनली एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा एक्स और चार के साथ वाला एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ बचा ओनली चार। इसी प्रकार मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में दो का भाग जा रहा है तो कॉमन आ गया दो, यहाँ बच गया एक्स और इधर बच गया माइनस का चार। तो एक बार देखेंगे कि आपके कोष्टक के अंदर जो तो संख्या बनी क्या एक जैसी बनी है अलग अलग बनी है, अगर कॉमन लेने के बाद में संख्या एक जैसी है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो कहीं त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ देखा अपने तो अपने पास में एक तो आ गया एक्स माइनस चार और एक आ गया एक्स और प्लस का दो, यानी कि एक्स प्लस दो। तो यहाँ पर कुल मिला के बात करते हैं तो इसमें एक बार एक्स माइनस चार को रखेंगे जीरो के बराबर तो अपने पास में एक्स का मान आएगा प्लस का चार, इसी प्रकार एक्स प्लस दो को रखेंगे जीरो के बराबर तो यहाँ से अपना मान आएगा एक्स बराबर माइनस दो। क्या आएगा? एक्स बराबर माइनस दो आएगा। तो दो शून्यंक ज्ञात हो गए, चार और माइनस दो, ये क्या है इसके, ये है इसके शून्यंक। तो शून्यंक तो ज्ञात हो गए, अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, तो देखिए जांच करने के लिए साथ ही ये होता है अपने शून्यंक ज्ञात किया, शून्यंक कितना आया, तो शून्यंक आया था चार और माइनस दो, ये आया था। पहला करते हैं इनका योग, ये तो शून्यंक आए थे अभी ज्ञात किए थे वो है। पहला करते हैं इन दोनों का योग करते हैं, तो इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ध्यान से देख लेना। देखिए इनका करते हैं योग, तो शून्यंकों का योग कितना होगा, तो योग करेंगे तो आएगा चार प्लस माइनस दो, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे चार माइनस दो यानी कि दो, तो योग आ गया दो। अब इसका करते हैं गुणा, तो शून्यंकों का गुणा कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी चार को गुणा कर दो माइनस दो से, तो चार को माइनस दो से गुणा किया तो आ गया माइनस का आठ। ये तो अपने शून्यंक ज्ञात किए थे उनको जोड़ा और गुणा किया, अब क्या करते हैं, अब सूत्र से ज्ञात करके देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। जैसे अभी अपने पास में इक्वेशन आई है वो है एक्स स्क्वायर, सॉरी जो व्यंजक है वो है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। अब अपने पास में अभी योग का मैंने सूत्र बढ़ाया था, पढ़ाया था, दिखाया था, तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए। अब यहाँ देखिए बी ऑलरेडी पहले माइनस का है, सूत्र का माइनस और है, तो लिखेंगे ये तो सूत्र वाला माइनस, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है माइनस दो, और ए का मान कितना है, तो ए का मान कुछ नहीं है, मतलब यहाँ एक्स के साथ की संख्या गुणे में है क्या, तो आप कहेंगे यहाँ कोई गुणा नहीं है, तो यहाँ आंसर आएगा एक, और माइनस दो को दो से गुणा किया उत्तर आ गया प्लस का दो, तो योग आ गया दो। अब यहाँ पर करते हैं गुणा, तो गुणे का सूत्र अपने पढ़ा था, वो पढ़ा था सी बटा ए, तो सी का मान है माइनस आठ और ए का मान है एक, तो गुणे का मान आ गया माइनस का आठ। योग का सूत्र, योग का मान कितना आया सूत्र से, दो आया, अपना भी कितना आया, दो आया। गुणे का मान सूत्र से कितना आया, माइनस आठ, अपना भी गुणे का मान कितना आया, माइनस आठ, मतलब योग और गुणा आपस में बराबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे बराबर है, तो हम नीचे लिखेंगे अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध है जो सत्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था आज का अपना क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल, तब तक क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।